हेलो एवरीवन, दिस इज मिहिर, योर एजुकेटर. वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर, देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर यू. प्लीज सब्सक्राइब टू अर्पिता शर्मा क्लासेस फॉर डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डेली एमसीक्यूज फॉर प्रिलिम्स प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी क्लासेस, पॉलिटी क्लासेस एंड मच मोर. एंड प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. Here you will get all the updates of all the lectures, right? And the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel only. So please make sure that you join this Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. Now Arpita Madam is taking live classes on Unacademy Plus. So if you want to join Unacademy Plus and if you want 10% discount, then use this code SHARMAYT10. Okay. SHARMAYT10. So if you use this particular code, you will get instant 10% discount. So now let's start with our today's topic. Today we will discuss about the genetically modified crops. So what are genetically modified crops? देखो, genetically modified जो crops होते हैं ना, उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो gene होता है ना, वो हम लोग artificially insert करते हैं. कहां से आर्टिफिशियली इंसर्ट करता है? कोई दूसरी कोई स्पीशीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया का जीन अगर हम लोग कोई क्रॉप में अगर इंसर्ट कर देते हैं ना, तो ये जो क्रॉप होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन जाता है. तो फिर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम लोग बनाते क्यों है? क्योंकि हमें क्रॉप के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज चाहिए जो नॉर्मल क्रॉप में अवेलेबल नहीं होती. जैसे कि हो गया पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड टॉलरेंस, ड्राउट रेजिस्टेंस. सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई क्रॉप है, ओके, देयर इज अ पर्टिकुलर क्रॉप, दिस इज अ ए क्रॉप. अगर ये ए क्रॉप है, अगर ये जो ए क्रॉप है, अगर उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, लेकिन ये वाला जो क्रॉप है कोई ऐसे एरिया में है जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, देयर इज वेरी लेस वाटर अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्रॉप. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे. सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरिया. तो अगर ऐसा होता है कि ये जो बैक्टीरिया है, अगर इसका कोई जीन अगर हम लोग ये क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ेगी. मतलब हमने ओरिजिनल क्रॉप की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर दिया. कैसे मॉडिफाई किया? हमने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई दूसरी स्पीशीज का आर्टिफिशियल जीन यहाँ ये बैक्टीरिया में से निकाल के या फिर ये स्पीशीज में से निकाल के हमने ये क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से ये जो क्रॉप है उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और ये वाला जो क्रॉप है अभी वो ड्राउट रेजिस्टेंट हो गया. पहले ये वाले क्रॉप को बहुत सारा वाटर चाहिए था कल्टीवेट होने के लिए, ग्रो होने के लिए, लेकिन सिंस अभी ये वाले क्रॉप को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, तो ये वाला क्रॉप जो है वो ड्राउट रेजिस्टेंट बन चुका है. तो यही यूज होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का. ओके, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि वो पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, हर्बिसाइड टॉलरेंस होता है, ड्राउट रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बीटी कॉटन के बारे में, तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इसको मॉडिफाई किया हुआ है. अभी करंटली इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो लीगली परमिटेड है कल्टीवेशन के लिए, तो वो है बीटी कॉटन. सो राइट नाउ ओनली बीटी कॉटन इज लीगली कल्टीवेटेड इन इंडिया. अगर इसके अलावा अगर आपके एरिया के अंदर अगर आपको कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दिखता है बीटी कॉटन के अलावा, कि मतलब वो इलीगली ग्रो हो रहा है, वो लीगल नहीं है, इट इज इलीगल. ठीक है, बट सेवरल केसेज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ इलीगल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक ब्रिंजल, सोयाबीन हैव बीन रिपोर्टेड. तो अब क्या हो रहा है, जो भी इलीगल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, ठीक है, जैसे कि ब्रिंजल हो गया, सोयाबीन हो गया, वो भी अभी कुछ कुछ फार्मर्स कहीं कहीं जगह के ऊपर वो लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, तो ऐसे भी केसेस आए हैं. लेकिन इंडिया के अंदर करंटली ओनली वन लीगली परमिटेड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज देयर, एंड दैट इज बीटी कॉटन. देखो, अब जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं ना, उनका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, उनको प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना पड़ता है. तो देखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम सबने पढ़ा है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में. देयर इज दिस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. ठीक है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है 1986, इसी के अंदर एक रूल्स होते हैं. ठीक है, तो वो रूल का नाम है रूल्स फॉर दी मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स, 1989. ओके, तो देखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये वाला एक एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है. अब इसी एक्ट के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए, तो ये रूल्स का नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स ऑफ 1989. तो ये रूल्स 1989 में बनाए गए थे. तो ये वाले जो रूल्स है ना,
यही जो रूल्स है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिसाइड करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए। अब देखो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है ना, सो दिस पर्टिकुलर कमिटी डील्स विद द अप्रूवल ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 था, अब इसी एक्ट के अंदर 1989 के अंदर रूल्स लाए गए थे, तो यही जो रूल्स है ना, यही रूल्स के अंदर ये कमिटी बनी है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, उसी के अंदर रूल्स बनाए गए थे, वो रूल का नाम मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, तो यही रूल के अंदर बनी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है वही सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को रेगुलेट करेगी, ठीक है। अब ये जो कमिटी है ना, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ओके, एंड इट इज द अपेक्स बॉडी फॉर अप्रूवल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना बायोटेक के अंदर, जहां पे हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, जहां पे रिकॉम्बिनेंट्स मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है, इनका कोई रिसर्च अगर होता है या फिर इनका कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, तो ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज होती है ना उनको रेगुलेट करेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। व्हेनेवर हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब भी बात होगी या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की जहां पर भी बात होगी ना, तो दिस कमिटी विल कम इन टू द पिक्चर, ओके। अब ये जो कमिटी है ना, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ प्रपोजल्स रिलेटिंग टू द रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स इन टू द एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स, ओके। तो कोई भी अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका कोई एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स करना हो ना या फिर अप्रूवल चाहिए, देन दिस पर्टिकुलर कमिटी विल कम इन टू द पिक्चर। देखो बीटी कॉटन क्या होता है, अब ये बीटी कॉटन पता है कैसे बना हुआ है, देखो एक बैक्टीरियम होता है सॉयल बैक्टीरियम जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये सॉयल बैक्टीरियम है। अब ये जो बैक्टीरिया है ना बैसिलस थुरिनजेनेसिस, उसके दो जीन्स है जिसका नाम है क्राई 1AB एंड क्राई 2BC। तो ये बैक्टीरिया है, इनके दो जीन्स है क्राई 1AB एंड क्राई 2BC। अब हमने ये दो जीन्स है ना, ये दो जीन्स को निकाल के हमने कॉटन के सीड्स में डाल दिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके बैक्टीरिया जो था ना बैसिलस थुरिनजेनेसिस, उसके दो जीन्स थे क्राई 1AB एंड क्राई 2BC, ये हमने कॉटन सीड्स के अंदर डाल दिया। तो देखो इससे क्या होता है कि अभी ये जो कॉटन सीड्स है ना, अभी जो कॉटन का जो प्लांट ग्रो होगा ना, इट वुड बी रेजिस्टेंट टू दी पिंक बॉलवॉर्म। अब पहले क्या होता था कि ये जो पिंक बॉलवॉर्म था ना वो कॉटन के प्लांट को डैमेज कर देता था, ठीक है, इट यूज टू डैमेज द कॉटन प्लांट। लेकिन अभी हमने कॉटन का जो ये प्लांट है ना उसको हमने ये जो पिंक बॉलवॉर्म है उससे हमें रेजिस्टेंट बना दिया है, ठीक है। तो देखो एक बैक्टीरिया था जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये वाला जो बैक्टीरिया है उसके दो जीन्स थे क्राई 1AB एंड क्राई 2BC, हमने ये दो जीन्स निकाल के हमने डाल दिए कॉटन सीड्स के अंदर। अगर हमने ये दो जीन्स अगर कॉटन में डाले है ना, तो अभी जो कॉटन का जो क्रॉप ग्रो होगा इट विल बी रेजिस्टेंट टू दी पिंक बॉलवॉर्म, जिसकी वजह से क्या होगा कि पिंक बॉलवॉर्म जो है ना वो कॉटन के प्लांट को अभी डैमेज नहीं कर पाएगा। जब नॉर्मल कॉटन था तो पिंक बॉलवर्म कॉटन के प्लांट को डैमेज कर देता था, लेकिन हमने कॉटन को अभी जेनेटिकली मॉडिफाई किया है बैक्टीरिया के दो जीन्स वहां पे डाल के, मतलब अभी कॉटन वाला जो प्लांट है इट इज रेजिस्टेंट टू दी पिंक बॉलवर्म, ठीक है। और इसका जो रिलीज है ना, ये सैंक्शन कब हुआ था, 2002 के अंदर ये सैंक्शन हो चुका था। देखो अभी क्या होगा कि हमने ये दो जीन्स डाले है ना क्राई 1AB और क्राई 2BC, अब ये वाले दो टू जीन्स है ना कॉटन प्लांट के अंदर जब जाएंगे तो वो लोग क्या करने वाले हैं, ये टॉक्सिन क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। दीज टू जीन्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस द टॉक्सिन क्रिस्टल्स, जिसकी वजह से अगर ये कॉटन, ये जो पिंक बल्बम नाम का जो पेस्ट है ना, अगर ये कॉटन के ऊपर अगर अटैक करता है, देन ये जो जीन्स है ना ये उस पिंक बल्बम को मार देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने ये जो कॉटन है ना उसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको पेस्ट रेजिस्टेंट हमने ऐसे बनाया है, ओके। सो दीज टू जीन्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस द टॉक्सिन, this toxin is going to kill the pink bollworm, and in this way we have made genetically modified cotton which is resistant to the pink bollworm. देखो so we have already completed with the topic of BT cotton, अभी हमारा नया topic है antimicrobial resistance. So antimicrobial resistance is the ability of the microorganism like bacteria, viruses and some parasites to stop an antimicrobial from working against it. And this antimicrobial can be antibiotic, antiviral or antimalarials. देखो, for example, there is a bacteria.
इफ दिस बैक्टीरिया इज कॉजिंग अ सर्टन डिजीज, अब इस डिजीज को क्योर करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, अगर ये एंटीबायोटिक होती है ना वो बैक्टीरिया को किल कर देगी, अगर उसे बैक्टीरिया को किल कर दिया तो हम लोग वो डिजीज से क्योर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यही एंटीबायोटिक का अगर हम लोग यही एंटीबायोटिक का मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ना इट विल बिकम रेजिस्टेंट टू दिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। मतलब अगर हम लोग ये एंटीबायोटिक का अगर यूज करेंगे देन दिस बैक्टीरिया विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, दिस बैक्टीरिया विल नॉट बी किल्ड और हमें ये डिजीज से क्योर नहीं हो पाएंगे। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आखिर ऐसा होता क्यों है, तो इसका सबसे पहला रीजन होता है एंटीबायोटिक कंजम्पशन इन ह्यूमंस। देखो क्या होता है, कई बार हम लोग है ना विदाउट नीड, हमें अगर इसकी जरूरत भी ना हो तो हम लोग एंटीबायोटिक कंज्यूम कर लेते हैं। हम लोग एंटीबायोटिक्स कभी कभी बहुत ही ज्यादा डोज में कंज्यूम करते हैं अगर हमें नीड नहीं होती है फिर भी। सपोज फॉर एग्जाम्पल थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए एक बहुत पॉपुलर एंटीबायोटिक होती है वो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक का ओवर यूज, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके सो दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके बाद में कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि सेल्फ मेडिकेशन। बहुत बार हम लोग डॉक्टर खुद बन जाते हैं, ठीक है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, हम लोग ऐसे मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ मेडिकेशन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम लोग एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे भी एंटीबायोटिक का मिसयूज इंक्रीज हो जाता है। बाद में लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हेन टू यूज एंटीबायोटिक्स। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि ये एंटीबायोटिक का हमें यूज कब करना चाहिए। ओके कल्चरल एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल मास बाथिंग इन रिवर्स एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस मास गैदरिंग ओकेशंस। बाद में पोल्ट्री के अंदर स्पेशली क्या होता है, पोल्ट्री के अंदर बहुत बार हम लोग ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग एंटीबायोटिक हम लोग उनको फीड करते हैं तो ये एंटीबायोटिक से उनका जो ग्रोथ होता है ना वो फास्ट हो जाता है। तो यही यहाँ पे भी एंटीबायोटिक का मिसयूज हो रहा है, वी आर मिसयूजिंग द एंटीबायोटिक्स फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ इन पोल्ट्री ऑर्गेनिजम्स। ओके बाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पोल्यूशन भी एक रीजन होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अगर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर एंटीबायोटिक को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और यही जो एंटीबायोटिक्स है अगर वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, अगर ये फार्मास्यूटिकल वेस्ट अगर कोई रिवर्स में जा रहा है और अगर ये फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर अगर ये एंटीबायोटिक्स अगर होती है ना तो इससे भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता है एनवायरमेंट के अंदर। बाद में होता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन, जो अनट्रीटेड सीवेज होता है अगर वो हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करते हैं ना तो ये भी एक कॉज होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। तो हमने अभी तक रीजंस देखे थे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कौन से रीजंस है। ओके अभी हम लोग देखते हैं कौन से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं ताकि हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम लोग इसको कंट्रोल कर पाए। देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को सर्वेलियंस करने के लिए, ठीक है, सर्वेलियंस का मतलब क्या होता है कि उसको ट्रैक करना। देखो क्या होता है, पूरी इंडिया के अंदर देयर माइट बी सम एरियाज जहां पे ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। पूरी इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा ना कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, देयर माइट बी सम पार्ट्स इन द कंट्री वेर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज वेरी स्ट्रांग, इस एरिया के अंदर बहुत सारा स्ट्रांग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है तो उसके ऊपर सर्वेलियंस रखने के लिए टू डू दिस सर्वेलियंस, उसके ऊपर पूरा डेटा का कंपाइलेशन करने के लिए डेटा बनाने के लिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्वेलियंस नेटवर्क का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है, ठीक है, टू एनेबल दिस सर्वेलेंस रखने के लिए डेटा का कलेक्शन करने के लिए ICMR ने क्या सेटअप किया है, नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्वेलियंस नेटवर्क। ओके और हमने ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल है 1945 में जो आया था उसको हमने अमेंड किया था 2013 के अंदर टू इंक्लूड अ न्यू शेड्यूल दैट इज शेड्यूल H1। तो ये जो शेड्यूल H1 है ना अगर कोई भी ड्रग अगर शेड्यूल H1 में आता है तो वो हम डायरेक्टली हम लोग फार्मेसी में जाके नहीं ले सकते विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। अगर कोई भी एंटीबायोटिक कोई भी ड्रग अगर शेड्यूल H1 में होता है तो उसको यूज करने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेड लाइन कैंपेन, ठीक है। तो ये जब रेड लाइन कैंपेन जब हुआ था ना तब हमने न्यू शेड्यूल H1 हमने इंट्रोड्यूस किया था। बाद में गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन 2017, तो 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान लेके आई थी टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान मतलब पूरा का पूरा फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाएगा, पूरा का पूरा प्लान होगा कि कैसे हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हमें टैकल करना है।
तो नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कब आया था? 2017 के अंदर आया था। बाद में 2011 में गवर्नमेंट और एक भी प्लान लेके आई थी जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो नेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या क्या किया हुआ है? नेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ने 2011 में नेशनल पॉलिसी फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लेके आई थी, और 2017 के अंदर गवर्नमेंट लेके आई थी नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इंडिया के अंदर जो मध्य प्रदेश है ना, दिस मध्य प्रदेश हैज बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर केरला टू डेवलप एन एक्शन प्लान टू मैनेज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो, एक तो नेशनल लेवल प्लान होता है, गवर्नमेंट ऑलरेडी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी नेशनल एक्शन प्लान लेके आई है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी अपना नेशनल एक्शन प्लान लेके आ रही है। तो केरला के बाद मध्य प्रदेश जो है वो सेकेंड स्टेट बन चुका है जिसने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का प्लान जो लेके आई है। ओके गाइस, अब देखो जीन एडिटिंग क्या होता है। देखो, जब भी जीन एडिटिंग होता है ना, तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि जीन और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। देखो, डीएनए जो होता है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जीन। जीन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए। ओके, अब डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। देखो, जीन क्या होता है बेसिकली, वो आपकी बॉडी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी हेयर का कलर क्या होगा। तो जितने भी जो ये जो फंक्शंस होते हैं ना, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द जीन्स। ओके, सो जीन जो होता है वो डीएनए के अंदर होता है। डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। नाउ देयर आर सम पर्टिकुलर जीन्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल, देयर इज अ डीएनए, इस डीएनए के अंदर कुछ कुछ जीन्स होते हैं, दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो अगर ये जो जीन्स है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर ये पर्टिकुलर जो जीन होता है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ पर्टिकुलर डिजीज, तो हम लोग कुछ ऐसा कर दे कि ये जीन को निकाल दो और कोई नए जीन को डाल दो, तो हम लोग ये जो डिजीज है उससे भी हम लोग बच सकते हैं। तो जो प्रोसेस होती है ना, जो ये हार्मफुल जीन को रिमूव करके कोई नया दूसरा जीन डालते हैं ना, जिससे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जीन एडिटिंग। तो गाइज, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था जीन एडिटिंग का। जीन एडिटिंग के बहुत सारे यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होता है, ठीक है। तो बहुत सारे यूज होते हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया था। सो जीन एडिटिंग इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मैन्युपुलेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जीनोम एडिटिंग इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज That gives scientists the ability to change an organism's DNA, ठीक है। तो DNA के अंदर देखो, पूरा का पूरा DNA चेंज नहीं करना होता है। DNA के अंदर कुछ हार्मफुल जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जिसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो वही काम करने के लिए हम लोग जीन एडिटिंग का यूज करते हैं। दिस टेक्नोलॉजीज अलाउ द जेनेटिक मटीरियल टू बी एडेड, रिमूव्ड और ऑल्टर्ड एट पर्टिकुलर लोकेशन इन द जीनोम। जीन एडिटिंग इज वाइडली प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जीन एडिटिंग। बाद में रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, इसका एग्जांपल मैं आपको आगे की स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं। मैं अभी जीन क्या होता है, जीन्स कंटेन द बायो इन्फॉर्मेशन दैट डिफाइंस एनी इंडिविजुअल। तो देखो, हमारी जो हाइट होती है, हमारी जो स्किन का कलर होता है, हमारा जो हेयर का कलर होता है, हमारे जो बिहेवियरल ट्रेट्स होता है ना, वो सब जीन कंट्रोल करता है। सो डीएनए के अंदर होता है जीन। ये जो जीन है ना, वो बनाएगा पॉलीपेप्टाइड्स, और ये जो पॉलीपेप्टाइड से बनेंगे प्रोटीन्स, और दिस प्रोटीन्स आर गोइंग टू गिव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट, स्किन, हेयर कलर, ठीक है। तो ये सब काम होता है जीन का। एन एबिलिटी टू ऑल्टर दिस इंफॉर्मेशन गिव्स द साइंटिस्ट द पावर टू कंट्रोल सम ऑफ दिस फीचर्स। तो अगर हम लोग जीन्स को कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब हम लोग ये सारे फंक्शंस को हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। सो जीन एडिटिंग समटाइम्स एक्सप्रेस्ड इन रिलेटेड बट नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट टर्म्स लाइक जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मैन्युपुलेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट न्यू। मतलब जीन एडिटिंग को ही हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं, जेनेटिक मैन्युपुलेशन बोलते हैं एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। देखो, जब भी जीन एडिटिंग की बात आती है ना, तो ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी विल कम इन टू द पिक्चर। तो देखो, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ना, अब सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज पे फोकस करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे फोकस करना, ठीक है। स्लाइड को अभी मत पढ़ना। देखो क्या होता है कि हमारे पास कोई डीएनए है, सपोज फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर डीएनए, दिस इज अवर डीएनए। इस डीएनए के अंदर दिस इज द जीन, ओके। देयर विल बी नाइट्रोजीनियस बेसिस हियर, देयर विल बी नाइट्रोजीनियस बेस हियर ऑल्सो, दिस टू आर गोइंग टू पेयर। नाउ सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए, मतलब ये एक जीन है। अब इस जीन की वजह से, ठीक है, अ जीन इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए, इस जीन की वजह से हमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होने वाला है, ठीक है। देयर विल बी अ जेनेटिक डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन। तो देखो, अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी सबसे पहले अगर हमें ये जीन को निकालना पड़ेगा, अगर हमें जेनेटिक डिसऑर्डर से बचना है,
तो हमें इस जीन को निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, साइंटिस्ट लोग क्या करने वाले हैं, ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। देखो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि हमारे पास एक आरएनए होगा, ठीक है, एक आरएनए होगा, दिस आरएनए विल बी कॉल्ड एज गाइड आरएनए। ठीक है, तो ये जो जीन है ना, यहां पे भी कुछ नाइट्रोजीनियस बेस हो गए। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पे ए टी, यहां पे ये है एडीनाइन थाइमिन, ओके। तो यहां पे आरएनए के अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनियस बेस हो गए। तो ये जो गाइड आरएनए बेसिकली क्या करेगा, ये जाके हमारा जो जीन है ना, जिस डीएनए फ्रेगमेंट को हमें निकालना है ना, वहां पे जाके ये अटैच हो जाएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर गाइड आरएनए हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनियस बेस। सो दिस पर्टिकुलर आरएनए इज गोइंग टू कम एंड अटैच टू दिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम ड्रॉइंग द डीएनए हियर, दिस इज नॉट द रियल डीएनए, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट, ओके। इट इज अ डबल कॉइल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो देखो यहां पे हमारा जो गाइड आरएनए है ना, वो यहां पे आ गया, दिस इज अवर गाइड आरएनए। अब हमारे पास आएगा CAS9 एंजाइम। तो ये जो CAS9 एंजाइम है ना, वो यहां पे कट कर देगा, ये जितना जो पार्ट है ना, जिसकी वजह से हमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है। सो दिस CAS9 एंजाइम विल कम इनटू द पिक्चर, इट विल कट दिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट दिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। तो देखो अभी हमारे पास ऐसे दो फ्रेगमेंट बन जाएंगे, ठीक है। देखो वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, हमारे पास एक डीएनए होता है, जीन इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए। सपोज दिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट है, ये पर्टिकुलर जो जीन है ना, इसकी वजह से हमें होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हमें इस जीन को निकालना है, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ये जीन ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज कर रहा है। सो वी आर गोइंग टू यूज द गाइड आरएनए, दिस गाइड आरएनए इज गोइंग टू हैव कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनियस बेस, इट इज गोइंग टू बाइंड टू दिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट, एंड आफ्टर दैट CAS9 एंजाइम विल कम इनटू द पिक्चर, एंड दिस फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर विल बी कट। सो हमारे पास ऐसे दो फ्रेगमेंट्स बन गए, एक ये वाला फ्रेगमेंट और दूसरा ये वाला फ्रेगमेंट, ठीक है। वापस मैं यहाँ पे दो फ्रेगमेंट्स को ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पे, दिस प्लस दिस। अब क्या होगा कि साइंटिस्ट लोग है ना, यहाँ पे नया फ्रेगमेंट डाल देंगे, देखो। सो दिस इज अवर न्यू फ्रेगमेंट, ठीक है, दिस इज अवर न्यू फ्रेगमेंट, ओके। तो हमारा जो एक फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए था विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, उसको हमने हटा दिया और हमने कोई नया फ्रेगमेंट डाल दिया, ओके। और देखो ये जो प्रोसेस होती है ना, उसी को हम बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस स्लाइड में दी हुई है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है, सो यू कैन रीड द रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस स्लाइड। अभी हम लोग देखते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। देखो क्या है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ना, इट इज बेसिकली मैपिंग ऑफ द जीनोम। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीन और जीनोम में डिफरेंस क्या होता है। देखो जीन जो होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी सम ऑफ द जीन विच में रेगुलेट द स्किन कलर, ओके। देयर माइट बी अनदर जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द हेयर कलर। सो बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं, तो ये पूरे के पूरे जीन्स जो मिलके है ना, वो जीनोम बनाते हैं, ओके। सो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जीनोम जो होता है ना, योर जीनोम इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ योर बॉडी, ओके। तो ये जो पूरे के पूरे जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनके जीनोम को स्टडी करने की जब बात आती है, तो उसे हम बोलते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। मतलब इंडिया के अंदर देयर विल बी सम इंडिविजुअल्स हु विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और ये जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स का हम लोग जीनोम स्टडी करने वाले, तो इसे बोलते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ दिस प्रोजेक्ट हैज बीन क्लियर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे कौन से स्टेक होल्डर्स होने वाले हैं, तो 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी गोइंग टू बी देयर। 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले, जिसमें से एक है IISc बैंगलोर एंड फ्यू IITs,
और आईआईएससी जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसका एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। इट इज गोइंग टू सर्व एज ए नोडल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मतलब ये पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट है ना, उसका जो फोकस पॉइंट होगा ना, नोडल पॉइंट होगा, ये होगा सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो 10,000 पर्सन है ना, हम लोग 10,000 पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, और ये पूरे के पूरे 10,000 जो पर्सन है ना, उनका हम लोग जीनोम सिक्वेंसिंग करेंगे, उनका हम लोग जीनोम आइडेंटिफाई करेंगे, उनका हम लोग जीनोम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो काम है ना, वो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर होने वाले हैं। और ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ था कि जो साइंस, ये जो है ना काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, उसने 6 मंथ की एक्सरसाइज की थी, और इस 6 मंथ की एक्सरसाइज के अंदर इतने जो इंडियंस है ना, 1,008 इंडियंस का पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग किया था। सो देयर वाज अ प्रोग्राम कॉल्ड एस इंडिजन प्रोग्राम, राइट। इस इंडिजन प्रोग्राम के अंदर CSIR ने 1,008 इंडियंस का होल जीनोम सीक्वेंसिंग किया था। और अभी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग 10,000 पर्सन को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, उनके जीनोम को स्टडी करने वाले हैं, पूरा का पूरा जीनोम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन अंडर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, देखो इससे पहले भी ग्लोबल जीनोम प्रोजेक्ट हो चुका है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो। तो इसका एक रीजन ये है कि जो ग्लोबल जीनोम प्रोजेक्ट है ना, वो सारे के सारे ह्यूमंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, राइट। और जो ग्लोबल जीनोम प्रोजेक्ट जो पहले हो चुका था ना, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इट ओनली रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो सारे के सारे ह्यूमंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। और इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो इसीलिए हम लोग अपना खुद का जीनोम प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। तो इससे बेसिकली क्या होने वाला है कि हमारा जो लार्ज स्केल जीनोम डेटा है ना, वो लार्ज स्केल जीनोम डेटा को हम लोग खुद जनरेट कर पाएंगे, उसको मेंटेन कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। बाद में इससे बेसिकली क्या होगा, हम लोग जो इवोल्यूशन होता है, अब ये जो इवोल्यूशन है उसका हम लोग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। सो विद द हेल्प ऑफ द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन फ्रॉम बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, इफ वी आर बेसिकली स्टडिंग द होल ह्यूमन जीनोम, देन व्हाट विल हैपन इज दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प इन दी हेल्थ केयर ऑल्सो। हाउ इट विल हेल्प इन दी हेल्थ केयर, देखो क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग हमने कर ली, देन क्या होता है कि हम लोग वी कैन आइडेंटिफाई सम जीन्स, ठीक है, आइडेंटिफाई सम जीन्स। ये जो जीन्स होते हैं ना, देयर माइट बी सम जीन्स पॉसिबल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सर्टन डिजीजेस। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के टाइम के ऊपर हम लोग ये जो जीन्स होते हैं ना, जो सर्टन डिजीज कॉज करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हमने ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, देन हम लोग ये जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि ये डिजीज ना हो। सो दिस इज वन वे इन विच दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैन बी यूज। तो ऐसे ही जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ना, वो हेल्थ केयर में भी बहुत बेनिफिट करने वाला है, और दिस विल हेल्प इन द प्रिसीशन मेडिसिन ऑल्सो। देखो प्रिसीशन मेडिसिन का क्या मतलब होता है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्टिकुलर डिजीज, अब इस डिजीज को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिकली एक ही मेडिसिन ऐसी डेवलप हो जाए जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डिजीज के लिए हो, तो इससे बोलते हैं प्रिसीशन मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस है, तो COVID-19 के लिए कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, हम लोग सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन देते हैं, तो ऐसे कोई मेडिसिन बना दो, एक ही मेडिसिन बना दो जिससे COVID-19 क्योर हो जाए, तो उसे बोलते हैं प्रिसीशन मेडिसिन। वन सिंगल मेडिसिन इज इनफ टू क्योर द एंटायर डिजीज, तो उसे बोलते हैं प्रिसीशन मेडिसिन। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है, वो प्रिसीशन मेडिसिन को डेवलप करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। बाद में प्रेडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, द आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट विल हेल्प इन द फास्टर एंड एफिशियंट डायग्नोसिस ऑफ द रेयर जेनेटिक डिजीजेस, राइट। सो ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा दिया, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना कि किस तरह हम लोग जीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये जीन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम लोग ये जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाई करके इस जीन को हटा सकते हैं। सो दिस इज हाउ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिशियल, ओके गाइस। सो हियर दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू, ओके गाइस। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर लिसनिंग।